हे गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ वर्मा। दिस इज़ द एडवेंचर्स ऑफिशियल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स होता क्या है ना? तो अगर हम लोग एसिड्स का बात करें तो एसिड्स को हम लोग 3 बेसिस पे डिफाइन करते हैं। पहला है हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन के बेसिस पे, दूसरा प्रोटोन के बेसिस पे, तीसरा इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। ठीक है, आप लोगों को क्लास 10 में अरहेनियस डेफिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अरहेनियस डेफिनेशन बोलता क्या है? एनी सब्सटेंस दैट व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। मीन्स वैसा सब्सटेंस जिसको अगर हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो क्या करेगा? हाइड्रोनियम आयन देगा, है ना? चलिए देखते हैं कैसे देगा हाइड्रोनियम आयन। मान लीजिए HCl लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या किए? वाटर में डिजॉल्व किए। ठीक है, तो होगा क्या, ये H+ आयन H2O के साथ मिक्स होके क्या बना देगा? H3O+ आयन बना देगा, साथ में रहेगा Cl-। ठीक है, तो ये हो रहा है। असल में हुआ क्या, HCl का जो H+ था वो H2O के साथ कंबाइन कर गया, ठीक है, तब बना H3O+। ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पे। तो अरहेनियस डेफिनेशन के हिसाब से वो सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन देगा या फिर हाइड्रोनियम आयन देगा, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे एसिड। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम लोग ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के डेफिनेशन पे। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का डेफिनेशन क्या बोलता है कि वैसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एसिड्स। ठीक है, जैसे HCl ही लेते हैं, तो HCl क्या कर रहा है? H+ दे रहा है ना, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन में प्रोटॉन ही तो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इससे निकल चुका है, इलेक्ट्रॉन लूज किया तब तो ये प्लस चार्ज आया है ना, तो सिर्फ बचा क्या है इसमें, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो वही प्रोटॉन ये डोनेट कर रहा है ना, तो इसको हम लोग प्रोटॉन डोनर भी बोल सकते हैं एसिड्स को, है ना। तो वैसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एसिड्स अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग गिल्बर्ट न्यूटन लेविस डेफिनेशन। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो उसका ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो हम लोग बोलेंगे उसको एसिड्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? तो अगर हम लोग एसिड्स का प्रॉपर्टीज़ का बात करें तो हम लोग को क्या दिख रहा है? एसिड्स टेस्ट में खट्टा लगता है ना, सॉर होता है, सॉर इन टेस्ट, बट टेस्ट करके मत देखिएगा क्योंकि हार्मफुल होता है, स्किन बर्न कर सकता है ना। फिर है हम लोग का एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। मीन्स ब्लू लिटमस को ये रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा, है ना। अगर कोई ब्लू लिटमस है तो उसमें अगर हम लोग कोई एसिड डालते हैं तो उसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा। ठीक, फिर है देयर एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है, मतलब वाटर में अगर हम लोग इसको घोलते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। फिर रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। मान लीजिए H2SO4 लेते हैं, ठीक है, H2SO4, ठीक है, प्लस ले लिए हम लोग NaOH। ठीक, तो होगा क्या, क्या बन जाएगा? Na2SO4 बन जाएगा, ठीक है, प्लस H2O बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये सॉल्ट बना ना, Na2SO4, और वाटर बना। ठीक है, तो ये एसिड था, ये बेस था, जब दोनों रिएक्शन किए तो सॉल्ट और वाटर बना। इसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर है इवॉल्व हाइड्रोजन गैस अपॉन रिएक्शन विथ एन एक्टिव मेटल। मीन्स अगर हम लोग इसको मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जैसे मान लीजिए जिंक है और H2SO4 है, ठीक है,
तो इसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे जब, तो क्या होगा, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और बनाएगा जिंक SO4। ठीक है, तो ये तो सॉल्ट बन गया, प्लस ये हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हुआ ना, तो ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगा और गैस के फॉर्म में ये रिलीज़ होगा। ठीक है, तो गैस इवॉल्व हुआ हाइड्रोजन गैस, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि जब एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, अब हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स में हम लोग एसिड्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एक स्ट्रेंथ बेसिस पे और दूसरा हाउ इट्स मेड, कैसे वो बना है इस बेसिस पे। ठीक है, तो पहला अगर हम लोग देखें तो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, और दूसरा है मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, तो मिनरल एसिड्स किसको बोलते हैं, तो वैसा एसिड जो मिनरल्स के थ्रू हम लोग रिएक्शंस करके बनाए हैं, है ना, ये मैन मेड होता है, और मिनरल एसिड्स ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स का बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड जो है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है ज़्यादातर, है ना, और वो ज़्यादातर वीक होते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें ऑर्गेनिक एसिड्स का, तो ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, है ना, और ये नेचुरली मेड होते हैं, अपने आप बनते हैं प्लांट्स या एनिमल्स में। ठीक है, अब अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स का बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग बोल रहे हैं किसको, वैसा एसिड जो वाटर में कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा और हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और वीक एसिड्स किसको बोलेंगे, तो वैसा एसिड जो पार्शियली डिसोसिएट होगा, पार्शियली आयोनाइज होगा और कम हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, कम हाइड्रोनियम आयन देगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे वीक एसिड्स। ठीक है, एग्जांपल्स देख लीजिए कुछ कुछ, यहाँ पे सारा ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स का एग्जांपल्स है, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ कौन कौन है मैं बता दे रहा हूँ, H2SO4, HCl एंड HNO3, ये तीन सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कैटेगरी में, और ये सब क्या है, ये सब है हम लोग का मिनरल एसिड्स। और अगर वीक एसिड्स का बात करें तो एसिटिक एसिड, ठीक है, फिर ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारा क्या है, वीक एसिड्स है। ठीक है, और एक वीक एसिड में एक एक्सेप्शन है, क्या, H2CO3 का। H2CO3 जो है ये मिनरल एसिड होते हुए भी वीक है। ठीक है, ये मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड, ठीक है, बट इट्स वीक, ये वीक है, तो ये एक्सेप्शन हो गया हम लोग का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का, यहाँ पे वही एग्जांपल्स दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स का, और सोर्सेस का दिया हुआ है, जैसे एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में, फॉर्मिक एसिड एंट का स्टिंग में, फिर सिट्रिक एसिड ऑरेंज, लेमन्स, ये सब में, फिर लैक्टिक एसिड दही में। ठीक है, अब है यूजेस ऑफ एसिड्स। एसिड्स का यूजेस क्या क्या है, अगर हम लोग एसिड्स का यूजेस का बात करें तो एसिड्स का बहुत सारा यूजेस है, जैसे स्टमक में हम लोग का डाइजेशन के लिए HCl प्रोड्यूस होता है, है ना, फिर H2SO4 कार बैटरीज में यूज़ होता है, HNO3 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स में, है ना, फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड, है ना, फिर हम लोग का नया इथेनोइक एसिड जो हम लोग यूज़ करते हैं फूड इंडस्ट्री में, यही तो है विनेगर, है ना, इसका अगर हम लोग फार्मूला का बात करें तो हो जाएगा CH3COOH, ये है इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड का फार्मूला। ठीक है, एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, फिर फैटी एसिड्स जिससे सोप बनता है, और ये हम लोग देखेंगे कार्बन चैप्टर में। ठीक है, कार्बन चैप्टर में हम लोग इसको देखेंगे, फिर हम लोग का एस्कॉर्बिक एसिड जो मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट है हम लोग का बेसिस। बेसिस किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे ठीक जैसा हम लोग एसिड्स को डिफाइन किए थे उसका ऑपोजिट आएगा बेसिस में, है ना, तो अरहेनियस के हिसाब से क्या है बेसिस, तो वैसा सब्सटेंस जिसको हम लोग पानी में जब डिसॉल्व करेंगे, वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, OH- आयन देगा। ठीक है, OH- आयन देगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बेसिस। जैसे एग्जांपल लेते, मान लीजिए NaOH है। ठीक है, तो NaOH को हम लोग वाटर में मिलाएं तो हो रहा क्या है, ये Na+ में टूटा, ये OH- में टूटा, फिर
ये भी टूटेगा एच प्लस में प्लस ओ एच माइनस में, है ना। तो ये ओ एच माइनस मिल रहा है ना, तो ओ एच माइनस जो देगा उसको हम लोग बोलेंगे बेसिस। अब आते हैं ब्रॉन्स्टेन-लॉरी का डेफिनेशन। ब्रॉन्स्टेन-लॉरी ने क्या बोला एसिड्स में, क्या बोला था ब्रॉन्स्टेन-लॉरी ने कि जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, तो यहाँ अपोजिट है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, ठीक है। फिर हम लोग का गिल्बर्ट न्यूटन लेविस डेफिनेशन, इसमें क्या हो रहा है कि वैसा सब्सटेंस जो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। एसिड्स क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा था, बेसिस क्या करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। तो हम लोग वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा हम लोग उसको बेस बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का अल्कलीज। अल्कली किसको बोलते हैं, है ना। तो अल्कली बोलते हैं हम लोग, डेफिनेशन क्या है इसका, एन अल्कली इज़ अ बेस डैट इज़ सोल्यूबल इन वाटर। मीन्स वैसा बेस, हर एक बेस नहीं, कुछ कुछ ऐसा बेस है जो वाटर में डिजॉल्व हो पाता है, सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो सिर्फ उन्हीं को हम लोग बोलते हैं अल्कली जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, बाकी जो डिजॉल्व नहीं होते उनको अल्कली नहीं बोलेंगे, सिर्फ बेस बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस अमोनिया, ठीक है। ये सारा क्या है, एग्जांपल्स है अल्कलीज का, सारा वैसा बेसिस है जो डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। बेसिस का क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो बेसिस का अगर हम लोग बात करें तो टेस्ट में ये बिटर होते हैं, ठीक है, टेस्ट में ये बिटर होते हैं, सोपी इन टच, फील सोपी इन टच, फील स्लिपरी, है ना। बेसिस डोंट चेंज द कलर ऑफ लिटमस। अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, डोंट चेंज, ठीक है। इसका इसमें होगा क्या, बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं बेसिस। चेंज किसका नहीं करेगा कलर, तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि बेसिस डोंट चेंज अ कलर ऑफ लिटमस, तो वो किसका कलर नहीं करेगा, अगर पहले से ब्लू है, मान लीजिए पहले से ब्लू लिटमस लिए हम लोग, तो उसका कलर चेंज नहीं करेगा, ब्लू ही रहने देगा, है ना, तो चेंज उसका नहीं करेगा। फिर हम लोग का एसिड्स की तरह बेसिस का भी एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। फिर हम लोग का रिएक्ट विद, अच्छा ये कंडक्शन हो क्यों रहा है, कंडक्शन हो रहा है क्योंकि आयंस बन रहे हैं, एच प्लस ओ एच माइनस, ठीक है। तो ये सब आयंस बन रहे हैं वाटर में मिक्स करने पर, वाटर में डिजॉल्व करने पर, तो यही आयंस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग रिएक्ट, ये बेसिस जो है रिएक्ट करता है एसिड्स के साथ और क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, जो अभी तुरंत हम लोग देखे थे, है ना, जो अभी तुरंत हम लोग देखे थे क्या, कि अगर NaOH लेते हैं, मान लीजिए NaOH, और इसको रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग HCl के साथ, तो क्या बन जाएगा, हम लोग का बन जाएगा Na और Cl, NaCl बन जाएगा टेबल सॉल्ट, यही तो है हम लोग का जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं, और OH और H मिलके H2O, ठीक है, तो ऐसे बन रहा है। तो ये बेस लिए थे हम लोग, एसिड्स के साथ रिएक्शन किया, क्या बन गया, सॉल्ट एंड वाटर बन गया, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, तो बेसिस को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं दो कैटेगरी में, पहला स्ट्रॉन्ग बेसिस, दूसरा वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस किसको बोलेंगे, तो वैसा बेस जो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, है ना, वाटर में। और वीक किसको बोलेंगे, जो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन को उतना नहीं बढ़ा पाएगा, है ना, ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएगा, उसको बोलेंगे वीक। क्यों, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा, कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं करेगा, है ना, पार्शियली आयोनाइज होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेसिस कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, इसलिए हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। अगर दूसरे टर्म्स में हम लोग बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस इज़ अ बेसिक केमिकल कंपाउंड दैट डी प्रोटोनेट्स वेरी वीक एसिड्स इन एन एसिड बेस रिएक्शन। मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग किसको बोल रहे हैं, तो ऐसा केमिकल कंपाउंड जो डी प्रोटोनेट कर रहा है वेरी वीक एसिड्स को, मतलब बहुत वीक एसिड होने के बाद भी वो उससे प्रोटोन को
रिमूव करवा दे रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आसानी से प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, क्योंकि प्रोटॉन डोनर होता है, ब्रोंस्टेड लॉ डेफिनेशन में हम लोग देखें एसिड्स का, है ना। लेकिन वीक एसिड्स उतना अच्छा प्रोटॉन डोनर नहीं होता है, लेकिन फिर भी उससे भी ये स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या कर रहा है, डी प्रोटोनेट्स करवा दे रहा है, प्रोटॉन को डोनेट करवा दे रहा है, इतना इसमें कैपेसिटी है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा वीक बेस जो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये डी प्रोटोनेट्स नहीं करवा पाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इनफ प्रोटोन एक्सेप्टर टू रिएक्ट, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये चाहिए तब ये रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का यूजेस ऑफ बेसिस। अगर बेसिस का हम लोग यूजेस का बात करें तो बहुत सारा यूजेस है बेसिस का भी, है ना। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में, है ना, पेट्रोलियम का रिफाइनिंग में, मेडिसिंस बनाने में, पेपर पल्प ये सब बनाने में, है ना, क्रेयॉन बनाने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर देखें तो इट इज़ यूज टू रिमूव इंक स्पॉट्स फ्रॉम क्लोथ्स, क्लोथ्स में जो इंक स्पॉट्स होता है उसको रिमूव करने में यूज़ होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला देखिए NH4OH, ठीक है, NH4OH। फिर ग्रीस साफ करने में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम लोग देखें अगर अल्कलीज आर यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरी, बैटरी में भी यूज़ होता है। अब हम लोग का डिटरमाइनिंग एसिड्स एंड बेसिस। तो अगर हम लोग एसिड्स और बेसिस को पता लगाना चाहें कि कौन एसिड है और कौन बेस है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं, तो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट चेंज कलर डिपेंडिंग ऑन वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और अल्कलाइन। मींस ये इंडिकेटर्स करता क्या है, अपना कलर को चेंज कर देता है जब भी एसिड या बेस के कॉन्टैक्ट में आता है, तो है ना, तो हम लोग उससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा कलर चेंज हो गया है, तो अब वो एसिड है या बेस है। हम लोग इसका एक चार्ट बना के रखें जो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, सिर्फ कलर के बेसिस पे इंडिकेटर्स नहीं बनता है, स्मेल के बेसिस पे भी इंडिकेटर्स होता है, ठीक है। और हम लोग बात करें लिटमस पेपर का, तो ये सबसे कॉमन मेथड है जिसका हम लोग यूज़ करके पता लगाते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। और लिटमस पेपर जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है, रेड कैबेज जूस नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर, चाइना रोज नेचुरल इंडिकेटर, ये सारा नेचुरल इंडिकेटर्स है, ठीक है। और सारा कोई अपना कलर चेंज करता है एसिड या बेस के कॉन्टैक्ट में आने पर, ठीक है। फिर पीएच का अगर बात करें तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो क्या करता है, सिर्फ ये नहीं पता लगाता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है, बल्कि ये भी पता लगाता है कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन कितना वीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का, देखिए यहाँ कलर्स दिया हुआ है। मिथाइल ऑरेंज का अगर बात करें तो क्या कर रहा है मिथाइल ऑरेंज, एसिड्स के कॉन्टैक्ट में आने पर रेड हो जा रहा है और बेसिस के कॉन्टैक्ट में आने पर येलो हो जा रहा है, ठीक है। लिटमस का बात करें तो एसिड्स के कॉन्टैक्ट में आने पर रेड हो जा रहा है और बेस के कॉन्टैक्ट में आने पर ब्लू हो जा रहा है। फेनोफ्थेलिन का बात करें तो एसिड के कॉन्टैक्ट में आने पर कलरलेस हो जा रहा है, जबकि बेस के कॉन्टैक्ट में आने पर पिंक हो जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का देखिए यहाँ पे टर्मरिक वाटर का बात करें अगर हम लोग, तो टर्मरिक वाटर क्या कर रहा है, एसिड्स के कॉन्टैक्ट में आने पर येल्लो हो जा रहा है, ठीक है, और बेसिस के कॉन्टैक्ट में आने पर रेड हो जा रहा है, ठीक। यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच स्केल का बात करें तो यहाँ पर रेड ऑरेंज और येलो शो करेगा जब एसिड के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, है ना, कि कितना स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रहेगा तो रेड, वीक रहेगा तो येलो। बेसिस का बात करें अगर हम लोग तो यहाँ पे अगर ब्लू वायलेट और पर्पल शो करता है जब हम लोग बेसिस को कॉन्टैक्ट में आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो पर्पल दिखाएगा और थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है तो ब्लू दिखाएगा, है ना, मीडियम है तो वायलेट, ओके। चलिए, तो ये हुआ हम लोग का ये वीडियो कंप्लीट, जिसमें हम लोग क्या देखें, एसिड्स बेसिस होता क्या है उसका डेफिनेशंस देखें, है ना, उसका यूजेस देखें, प्रॉपर्टीज़ देखें, फिर इंडिकेटर्स क्या होता है ये देखें, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसिड्स और बेसिस अलग अलग सब्सटेंसेस, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, है ना, ओके।
स्टे ट्यून करिएगा अपकमिंग वीडियोस के लिए। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।